हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू ऑन योर पर्सन, फ्यूचर स्पाउस, व्हाटएवर। सो आपके यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, उनके तरफ से लव मैसेजेस भी होंगे। ओके, सो चूज योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए एंड आई विल सी यू देयर। हेलो लव, वेलकम टू योर रीडिंग। ऑल राइट, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। सो हम देखने वाले हैं व्हाट इज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर्स ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, योर फर्स्ट इम्प्रेशन। नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ऑलराइट, वेल पाइल नंबर 1, पहला इम्प्रेशन आपके पर्सन का। बहुत सारे यहाँ पर अर्थ एनर्जी है और अर्थ एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कप्स एनर्जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ओके, स्पेशली स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ फील हो रहा है। वेल आई कैन सी हियर, आपके जो स्पाउस की पहली इम्प्रेशन रहने वाली है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी कि मतलब आप उनको थोड़ा ना वो लगने वाले हो, टफ पर्सन, ऐसा पर्सन कि जिसको हैंडल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मोर ओवर वो कर भी शायद नहीं सकते बिकॉज उनको लगेगा कि इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, लेकिन उनको दिल दिल में पता है कि दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अगर तो ये लड़की या लड़का मेरी लाइफ में आते हैं तो अगर मैं इस पर टाइम एंड एनर्जी लगाता या लगाती भी हूँ तो इवेंचुअली ये 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये मेरे लिए एसेट होगी फ्यूचर का। मेरी जो है मतलब फ्यूचर में मेरे लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल मतलब ये अगर मेरी ज़िंदगी में रहती है तो मेरे लिए एज मतलब फ्यूचर बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि आई थिंक यू आर क्वाइट स्किलफुल, मे बी यू आर अर्निंग वेल, आप काफ़ी अच्छा कमाते हो या फ्यूचर में काफ़ी अच्छा मुझे ऐसे काम करता दिख रहे हो और फ्यूचर में अच्छा कमाते दिख रहे हो। तो ये सबसे पहली अट्रैक्शन बनी है और पहला इम्प्रेशन उन पे ऐसा पड़ने वाला है कि यू आर अ टफ पर्सन और ये कि यू आर क्वाइट स्किलफुल हो, टफ हो, वर्कहोलिक हो और ये कि आपको इतना आसान नहीं है अपने कब्जे में करना। ये उनके माइंड में ऐसे चल रहा होगा तो उनको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा आपको, अगर वो ऐसे यू नो कप अपना ऑफर करते भी हैं तो वे इज़ ऑफरिंग यू हिज कप। स्टिल उनको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन में 3 ऑफ वैंड्स, उनको वेट करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है आपको पाना।
मुझे ऐसे लगता है स्टिल ये पर्सन फिर भी होपलेस नहीं होगा फर्स्ट इम्प्रेशन में, चाहे टफ है, लेकिन आपका बस ये जो आपका कंजर्वेटिव थोड़ा सा बिहेव रहेगा ना, आई थिंक आप ज़्यादा फ्रैंक नहीं होगे, या आप उनको अभाव नहीं दे रहे हो या वट एवर, ये आपकी उसमें जा रहा है, आपकी पॉजिटिव साइड में जा रहा है, आपके फेवर में जा रहा है, क्योंकि ये आपके एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को उनके माइंड में ना ऐसा है कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर गर्ल, नॉट इजी गोइंग, यू नो, बहुत माइंड किया जाता है ऐसी लड़कियों को, लड़कों की कम्युनिटी में, कि जो हर एक के साथ चल पड़ती हैं या हर एक को यस कह देती हैं, यू नो, राइट? तो टावर मोमेंट है ऑब्वियसली इनको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आपको कोई ना इस तरह से प्रपोजल देंगे शादी का या रिलेशनशिप का, जो कि आप राइट वे रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि टावर है, इसका उनके दिल पे काफ़ी गहरा असर पड़ेगा, और लाइक ही विल बी लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मैं तो चाहता था कि ये मैं इसे शादी करूँ, इसने तो मुझे मुंह पे इनकार कर दिया, एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इन द स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, ओके? वो चीज़ें तो बाद में सोचेंगे ना कि आप अच्छे कैरेक्टर किए हो या ये, लेकिन पहले पहले इनको बहुत अफसोस होगा, फोर ऑफ कप, ही विल बी लाइक कि मुझ में कोई कमी है, लाइक आईने के आगे, शीशे के आगे खड़े होके मिरर में देख रहे हैं खुद को, मेरे में क्या कमी है, मेरा बियर्ड ठीक नहीं है, या मेरा कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, मेरा शायद हेयर स्टाइल नहीं सही इसको पसंद आया, या मैं फिट नहीं हूँ बॉडी वाइज, मैं जिम करूँ, पता नहीं शायद मैंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे उस दिन, इसको नहीं ठीक लगा, मैं तो इस तरह की अपने अंदर कमियाँ निकाल रहे हैं, लाइक ही विल बी लाइक भी कि मेरे खुद को हील करना है, फोर ऑफ कप्स, खुद को ठीक करूँ, बहरहाल ये पर्सन कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर रहा करेगा आपको दोबारा इम्प्रेस करने के लिए, आपसे दोबारा कम्युनिकेशन में आने के लिए, एस ऑफ सोर्स, राइट? और फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है ऑब्वियसली, और समहाउ हो सकता है ये कामयाब हो जाए आपका दिल जीतने में, बिकॉज ऑब्वियसली योर फ्यूचर स्पाउस तो उनकी कोशिश जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी, बट मैं आपको पहले बता दूँ, राइट अवे रिफ्यूज़ल है आपकी तरफ से, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, सो लवली कपल, मुझे बहुत हंसी आ रही है, एट ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स एंड ओ फाइव ऑफ सोर्ड्स, वाई कृपन, वाई आर यू सो स्ट्रिक्ट, एम्परर, ओके गाइस, आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ अ बिट, सॉरी टू से बट देयर इज़ बॉसी, जो उनको लगेगी, मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, लाजमी नहीं आप ऐसे हो, मे बी आप ऐसा पोर्ट्रे करते हो अपने आप को सेफ रखने के लिए, ठीक है, ऐसा इमेज, लेकिन उनको ऐसे लगेगा अरे तो बहुत स्ट्रिक्ट है, यू सी एम्परर बॉसी है, फाइव ऑफ सोर्ड्स, लाइक लिटरली यू विल बी लाइक अरे मेरे को सैंडल चप्पल ही ना पड़ जाए इस हद तक ये पर्सन डर जाएगा, बिकॉज आई डोंट नो वाई, लेकिन आपका बहुत ही बुरा रिफ्यूज़ल उनको सुनने को मिलेगा, दैट्स वाई उनके यू नो माइंड में ये चीज़ें जन्म ले रही हैं, ऐसी बातें उल्टी सीधी, ठीक है? तो बहरहाल आपका जो इम्प्रेशन है उन पर बहुत ही स्ट्रिक्ट पड़ रहा है, डरे हुए हैं, नॉट रियली डरे हुए हैं, लेकिन होप नहीं उनको कोई ना नज़र आएगी, या होपलेस तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि होपलेसनेस का अभी तक कोई कार्ड आया नहीं है, लेकिन ये विल बी लाइक कि मैं कर लूँगा इसको, मैं यू नो पटा लूँगा, या यू नो जो भी पंसा लूँगा, लेकिन शी इज़ वेरी टफ,
वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ऐसी चीज़ें। तो हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग वो मूव ऑन कर जाए आपसे, या आपको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें सोचने के लिए या जो भी है। लेकिन अब एट ऑफ कप्स एनर्जी, सॉरी एट ऑफ वैंड एनर्जी, ये पर्सन आपको कभी भी मतलब आप छोड़ के नहीं जाएगा। आप ये मत सोचना कि लाइक ये पर्सन शायद मुझे छोड़ गया, मतलब डिच आपको कभी नहीं ये करवाएंगे, आपके ऊपर हमेशा ये ट्राई जो है वो करते ही रहेंगे। ओके गाइस, योर फर्स्ट इम्प्रेशन, पेशेंस। देखा उनको है कि मतलब मुझे जल्दी में ना करूं, जल्दी काम में ये बिल्कुल इसने नहीं मानना, तो ये धीरे धीरे ट्राई करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। और उनका आपका इम्प्रेशन भी ये पड़ना ही वाला है कि आप एकदम से उनको पता चल जाएगा कि ये मेरे साथ फ़ौरन नहीं चलेगी, फ़ौरन यहाँ नहीं करेगी, और आई वुड हैव टू ट्राई समथिंग एल्स। एनी वेज, नॉट गिविंग अप ऑन यू, ओके, ये बात याद रखना, ये नन यांग। बट जो कशिश, जो अट्रैक्शन, जो उनको ऐसे कंप्लीशन फील हो रहा आपके साथ, वो उनको कभी किसी और महिला या मैन में नहीं दिखा। बिकॉज दिस इज़ डबल टू, दिस इज़ यूनियन नंबर। उनको ऐसे लगा मेरे को मेरा मिसिंग पीस मिल गया है, मिसिंग पार्ट। ओके, हमेशा से उन्होंने खुद को आधा अधूरा समझा था, लेकिन जैसे वो आपको दिखी, आप उसको उनको ये दिस इज़ इंस्टेंट कनेक्शन, ये विल बी लाइक कि नो, यही थी वो जिसको ढूंढ रहा था, यही थी है वो जो मेरा मिसिंग पार्ट है। यिन एंड यांग है, उनकी कुछ वीकनेसेस होंगी जो आपकी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। तो वो वीकनेसेस उनकी इतनी उनको अट्रैक्ट की आपकी ये चीज़ कि ये इंसान आपके पीछे पागल, लाइक लिटरली पागल, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है जिसके साथ आपका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा ना हो, आपने उसको लेट गो कर दिया है और अब आप उसको भाव नहीं दे रहे हैं और ये इंसान आपके पीछे है, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। थिंकिंग वुमेन, एनी वेज, या अगेन आपका इम्प्रेशन उन पे, लाइक उनको पता होगा कि ये जल्दी फैसला नहीं करेगी, ये सोच समझ के फैसला करेगी, ठीक है। तो या आप उनको वेट बहुत करा रहे हो और उनसे वेट हो नहीं रहा, इज़ लिटरली डन कि आप और कितना वेट कराएंगी उन्हें। सो फर्स्ट इम्प्रेशन, एज ऑफ बैल, एंजल ऑफ बैलेंस, जी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी ना। तो अब आप ज़्यादा इमोशनल हो उनके पीछे फर्स्ट इम्प्रेशन में भी, और ना ही आप बिल्कुल ही डिटैच्ड हो, आपने उनको बहुत ही अपनी बैलेंस्ड साइड शो कराई है जो कि उनके लिए एक टीज़ का बाइस रहेगा। बिकॉज़ व्हेन यू गेट बैलेंस, इसलिए तो आपको हम सब कहते हैं कि लाइक बैलेंस रहे, बैलेंस रहे, इमोशनल बैलेंस रहे। ये जब आप किसी के, जब आप इनको अपनी बैलेंस्ड साइड दिखाएंगे ना, अगला इंसान आपके अडिक्ट हो जाता है। ये एक डार्क साइकोलॉजी फैक्ट है, लेकिन इसको मैनिपुलेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, वेल मे बी अभी इतने वेल ऑफ भी नहीं है फाइनेंशियली कि आपको फाइनेंशियली कर सके ये फुल फुलफिल, ठीक है। ये एक फैक्टर रहेगा थोड़ी सी दूरी का, लेकिन आई थिंक फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में आपके पर्सन आपके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। कम ऑन, लेट्स सी लव मैसेज फ्रॉम देम। क्यों मैं हमेशा तुम्हें अपने ख्वाब में देखता हूँ,
Alright, please, can we go on a secret date a night before our wedding? Will you marry me? देखो सीधा सीधा प्रपोजल ले क्या रिश्ता ही ले क्या आ गए भाई, क्या करें. आपने लगता है कुछ ज़्यादा इनको बेचारों को तंग कर दिया है. डेस्परेटली वेटिंग फॉर एवर यूनियन, कह रहे हमारे मिलन का डेस्परेटली मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ. फीलिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ. पॉइंट नंबर वन, इफ़ यू आर विद समवन, आप जितना अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखोगे, पीछे बता चुकी हूँ, उतना ही आपका जो पर्सन है आपकी तरफ आएगा इमोशनल होके. ओके, ये एक और इसकी केमिस्ट्री है, इसकी रीज़न, इसके पीछे साइंस और है. पर किसी दिन वक्त हुआ तो मैं समझाऊँगी कैसे ये होता है ऐसे. आई थिंक आप फर्स्ट मीटिंग में स्टेयर बहुत करेंगे और यू विल लिटरली बी लाइक इनसिक्योर. जैसे मैंने अपनी रीडिंग शुरू से सुनी है ना, मैंने आपको बताया था ना, यू विल लिटरली बी इनसिक्योर, कैसा लग रहा हूँ मैं, मेरे बाल, मेरे कपड़े, उसने क्यों इनकार कर दिया. लाइक लिटरली यू विल बी लाइक ऐसे मेरे को घूर रही थी, पता नहीं मेरे को शायद क्लाउन लग रहा हूँ मैं. क्लाउन मीन, जिसको नहीं पता, जोकर, वो जो होते हैं. सो स्वीट पायलवान, आई एम ऑन माई वे डार्लिंग, आ रहा हूँ. काम डाउन माई हार्ट. वेल गाइज, काम डाउन आप नहीं हो सकते डियर ब्रदर, क्योंकि शी इज़ योर यन एंड यू आर यंग. इस कनेक्शन में आप कभी भी काम डाउन नहीं हो सकते. ट्विन फ्लेम में जो मर्जी कर ले. एनीवेज, मूविंग अहेड. आई ऑलवेज न्यू यू मस्ट बी समवेयर. मुझे हमेशा से मैं जानता था कि तुम कहीं ना कहीं ज़रूर होगी. कहते किस दिन इंस्टेंट कनेक्शन, आई टू आई, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हैं यहाँ, बहुत ही खूबसूरत. ये लड़की नहीं ज़िंदगी है मेरी. दिस इज़ चैनल सॉन्ग. आर यू द वन वी स्पेंट प्रीवियस लाइफ विद. देखा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, हाई लेवल ट्विन फ्लेम है. क्या तुम वही हो जिसके साथ मैंने पिछला जन्म गुजारा था? कुछ ना डाउट हो रहा है को देख के ना. मैं तेरा बन जाऊँगा, दिस इज ऑल्सो अ सॉन्ग, चैनल सॉन्ग. यू लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टुडे. उस दिन आप उनको बहुत 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 सुंदर लग रही होंगी पहली मीटिंग में या फर्स्ट इम्प्रेशन. वेट अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा और इंतज़ार करो बेबी, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ. प्लीज़ रिलैक्स, आई वोंट टच यू अंटिल यू परमिट मी. ओके, काम डाउन. ओह, सच अ जेंटलमैन, कह रहे हैं कि काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुमको जब तक हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक तुम मुझे को इजाज़त नहीं देती हो. ओके, काम डाउन. वाओ, सच अ जेंटलमैन, राइट? सो यू आर इन द सेफ हैंड्स, आई थिंक. आई वांना रन टू हर टू लिफ्ट इन माय आर्म्स. चलो, इज़ा थोड़ी ज़्यादा फ्रैंक हो गए पहली मीटिंग में, है ना. कहते हैं भाग के दिल करता हूँ भाग के जाऊँ, उसको उठा लूँ अपने बाजू में. ये फर्स्ट मीटिंग में अलाउड नहीं है, एक्सक्यूज़ मी. इतना प्यार दूंगा कि पास्ट के सब घाव भूल जाओगी. वेल, फाइल नंबर वन, दिस वॉज योर रीडिंग, दैट वॉज इट टुडे. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग. एंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय. Hello, hello, pile number two. First impression of your person on you,
on them. First impression of your person. मैं क्यों टॉपिक गलत बोल रही हूँ बार बार. वेयर इज माई माइंड. फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू ऑन योर पर्सन्स माइंड. अब ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स सी. लेट मी जस्ट मेडिटेट अ बिट एंड कंसंट्रेट. Group number 2. Okay guys, this is your reading. 8 of cups. 4 of cups. सबसे पहला इम्प्रेशन तो मेरे को यही दिख रहा है यहाँ. ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन जो है ना, उनको भाग, आपको पहली बार आपको मिलो ये लिटरली लाइक मेरे को भाग जाऊँ मैं यहाँ से. बट वाई इज देयर भाग जाने की एनर्जी. लेट मी सी. सो वेट अ मिनट, यू नो व्हाट, टेन ऑफ वैंड इज लिटरली लाइक ए बाबरे, अपन इस काबिल नहीं है इसके. शी इज सो अप टू डेट. शी इज सो, मतलब उनको लगेगा कि वो आप उनसे ना बहुत ज़्यादा वो हो ऊपर. ठीक है, मतलब यू कांट हैंडल यू, मे बी मेंटल केपेबिलिटीज़ में, या मे बी फाइनेंशियल भी हो सकता है. फैमिली का फाइनेंशियल यू नो स्टेटस डिफरेंस, या मे बी यू आर, उनको ऐसे लगता है कि यू आर टू गुड फॉर देम, और उनको आपके काबिल बनने के लिए 4 of cups बहुत कुछ हील करना पड़ेगा अपने अंदर, बहुत कुछ चेंजिंग्स करने पड़ेंगे. ठीक है, ये इंसान आपको मिलने के बाद काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है. ठीक है, 8 of cups विल लिटरली बी लाइक, मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो, मे बी आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, मे बी यू आर साइकिक और सम हाउ मे बी सम टैरो रीडर वर एवर. यहाँ तो आपके ऊपर पास साइकिक वैसे ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, या बहुत रिलीजियस हो. एनी वेज, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होने की वजह से मे बी दे आर इन टू लो वाइब्रेशन. हो सकता है ये पर्सन लो वाइब्रेशन में हो जब यहाँ आपको मिले, तो डेफिनेटली लो एंड हाई वाइब्रेशन का मैच नहीं होता. डजंट नेसेसरली मीन कि ये आपको मिलेंगे नहीं है. मिलेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. लेकिन आई थिंक दे विल मेक अमेंडमेंट्स, दे विल चेंज देयर एनर्जी, दे विल चेंज देम सेल्व्स इन ऑर्डर टू यू नो आपके साथ जुड़ने के लिए. ठीक है, अभी आप ये सोच रहे हो मेरे लिए कौन इतनी सेक्रीफाइसेस करेगा. परेशान मत हो, यहाँ अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें. आई कैन फील आपके एनर्जीज बहुत हाई है. आई कैन फील कि आप बहुत ज़्यादा वो हैं, क्वालिटी पर्सन. ठीक है, तो बाकी है उनकी फर्स्ट इम्प्रेशन. आपके पास है हैंग वुमन, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड सन. वेल गाइज, मुझे ना एक सन जैसे ना, उनको ऐसे मिलके आपको खुशी तो बहुत हुई. ठीक है, एक उन्होंने एक ना माइंड में एक आइडियलाइज सी सिचुएशन, एक अपने माइंड में लड़की या लड़का जो भी जेंडर उनकी, एक ऐसा अपना आइडियल पार्टनर एक फ्रेम किया हुआ था, एक ड्रॉ किया हुआ था. ऐसा ऐसा उसके बाल ऐसे होंगे, उसकी कमर ऐसी होगी, उसकी आंखें ऐसी होंगी, उसके बाजू ऐसे होंगे, वो ऐसे हंसती होगी, ऐसे कपड़े पहनती होगी. तो एग्जैक्ट उनको ना आप में वही छवि, पूरी मतलब पूरी छवि दिखी. आपने रियलाइज किया था अपने माइंड में बिल्कुल ही
आप वही चीज़ उनको एकदम से नज़र आए। लेकिन अगेन वही चीज़ आती है, यंग वुमन, ये इंसान कभी भी, वो पता होगा कि आप कभी भी जल्दी हाथ आने वाले नहीं हो, थोड़ा धीरज से, सब्र से, थोड़ा आराम से आपको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको पाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि सन एनर्जी के साथ उनको ना एक पॉजिटिव वाइब तो आनी ही आनी है, लाइक यू आर जस्ट लाइक ए हैप्पी पिल फॉर हिम। ठीक है, आई थिंक उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ शाम है, ये सुबह है, यानी कि ये दिन है, वो रात है, आई थिंक उनको ऐसे लगेगा कि मेरी जो बिल्कुल ज़िंदगी में रात हो चुकी है, उसको ये बिल्कुल इसके आने से मेरे ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकती है, मेरी ज़िंदगी में चार्म आ सकता है और इस तरह ना। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, योर फर्स्ट इम्प्रेशन, प्रिंसेस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। वेल, आपकी फिजिकल अपीयरेंस और आपकी करियर में जो आपकी इंडिपेंडेंस है, मे बी योर करियर ओरिएंटेड पर्सन, आप करियर में काफ़ी अच्छे हैं और आप काफ़ी यू नो लाइफ में आपने अचीवमेंट्स भी किए हैं और उनको पता भी है कि आप काफ़ी अच्छा लाइफ में आगे भी परफॉर्म करोगे। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर योर पर्सन टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। काफ़ी आप अबंडेंट से उनको लगोगे, लाइक स्पेशली फिज़िकली अट्रैक्टिव भी, क्योंकि आपके बाल, आपके फिज़िकल बॉडी और लाइक आपकी स्पेशली ज्वेलरी सिलेक्शन, आपने उस दिन जो कपड़े पहने हुए होंगे, आई थिंक किसी पिंक या ऑरेंज से कम्बिनेशन में हो चाहे, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने का। फॉर अ पेंटिकल्स के साथ मे बी यू आर रिच, या फ्यूचर में आप काफ़ी रिच होने वाले हैं और आपके पास प्रिंसेस ऑफ सोर्स स्किल्स भी हैं, यू आर अ स्किलफुल पर्सन, और उनको 110% इस बात का अंदाज़ा है, उनको पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और आपको कोई भी मिल सकता है, ये एक उनके माइंड में सबसे पहली चीज़ आने वाली है। खूबसूरत आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है उन पर डेफिनेटली बनेगा। यू आर लिटरली, आई डोंट नो आपकी अभी क्या फाइनेंशियल स्टेट है, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, लेकिन उस वक्त जो आपके लुक, क्योंकि हम फर्स्ट इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी रिच, उनको लगेगा क्या आ रही है, ये तो किसी बहुत रिच फैमिली से लग रही है, या इसकी ये बहुत हसीन है, बहुत सुंदर है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ उनको इम्प्रेस करेगी। इसके अलावा आप बोल्ड हैं, उनको पता है मे बी फर्स्ट लुक में आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, जिसको आप बिल्कुल बहुत ही कॉन्फिडेंटली हैंडल करोगे, उनके प्रपोज़ल को या उनकी फ्रेंडशिप को या नंबर दे रहे हैं जो भी, तो इस चीज़ से वो काफ़ी इम्प्रेस होंगे कि और लड़कियों की तरह शायर नहीं है या ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं किया। यू विल बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन, लाइक ब्यूटिफुल, लाइक यू सी क्वीन ऑफ वैंड्स, ये बहुत ही डेयरिंग होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वीन इन द होल डेक इज़ द क्वीन ऑफ वैंड्स, राइट? सो आई थिंक इन्होंने फिर आपसे ज़्यादा हसीन और अट्रैक्टिव कोई देखा भी नहीं होगा इतना। ठीक है, सो दिस इज़ हिज फर्स्ट इम्प्रेशन। योर नैरो वैंस, ओ माय गॉश, एंड एज ऑफ सोर्ड्स, एंड आल्सो यू किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेल, पाइल नंबर टू, यू आर सो 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 लकी, दिस कॉम्बो इज डेडली, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंस, ओ माय गॉड, दिस इज द डेडली कॉम्बो, वेयर द गर्ल या फीमेल इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर हिज पार्टनर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, अट्रैक्शन आई मीन दूसरे वाला भी अट्रैक्शन, ठीक है ना? और हियर योर किंग इज़ रिच, इज़
कॉन्फिडेंट इज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला, कमिटमेंट देने वाला, इमोशनली बैलेंस बिजनेसमैन और हाई पोस्ट सूट, मतलब वाइट कलर जॉब और आई डोंट नो, इनके पास कलेक्शन हो सकता है वो रिस्ट वॉच का, काफ़ी ह्यूज इनके फेशियल हेयर हो सकते हैं, गुड लुकिंग इतना ज़्यादा बहुत बिल्कुल मॉडल टाइप वो लुक नहीं है, इनके लुक थोड़ा सा बिजनेसमैन टाइप है, ठीक है, मतलब सूट्स में, ड्रेस शर्ट्स में और लाइक बाल भी इनके यू नो अच्छे कटे हुए ट्रिम्ड, तो दिस इज़ अ प्रोवाइडर, दिस इज़ अ रिच मैन, राइट, कुछ लोगों के केस में फ्यू मे बी दिस इज़ दे कैन बी योर शुगर डैडी, एंड शुगर डैडी इज़ वॉट, अगर किसी को नहीं पता, मैन बिट ओवर एज, थोड़ा सा ओवर एज आपसे ज़्यादा, लेकिन वेरी रिच, ठीक है, सो यहाँ हर एक अपना यू नो आई डोंट माइंड, किसी को माइंड नहीं करना चाहिए, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपनी सिचुएशन होती है, अपने हालात होते हैं, ठीक है, सो या लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए इंसान, रिच हो, पुअर हो, खूबसूरत हो, जो है वो सुंदर हो, ना सुंदर हो, एवरीबडी हैज़ गॉट ओन डेस्टिनी, ओन जर्नी, अमेजिंग वाइब्स ग्रुप नंबर टू, स्टॉर्म वार्निंग, कुछ आपको मतलब मैंने आपको बोला है बहुत ज़्यादा उनको आप में अट्रैक्टिव वाइब्स आए हैं, ठीक है, तो हो सकता है उनके दिल पे बिजली गिर पड़े, ठीक है, और वैसे ये डेस्टिनी होती है, इतना तो सुंदर कोई भी नहीं होता, या यू नो आप अगर किसी एक की नज़र में सुंदर हैं तो आप किसी दूसरे की नज़र में सुंदर नहीं होंगे, ठीक है, तो लेकिन उनके उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, खूबसूरत हो, हर चीज़ है, ठीक है, तो या ज्ञान एंजल ऑफ बैलेंस, आपका बैलेंस पर्सनालिटी, आपका ओवर रिएक्ट ना करना, आपका उनको बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करना, हॉस्टिलिटीज, कंपटीशन गाइस, उनको ना ऐसे लगेगा आपको देखे कि आपको पास और बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, लेकिन ये इंसान रेडी होगा टू फाइट विद एनी अदर ऑप्शन, ठीक है, ये वो लिटरली भी लगे ओके आई कैन फाइट फॉर हर डॉटर रोमांस, मैंने आपको बताया है इनके माइंड में दूसरी किस्म वाली फीलिंग्स भी आपको देख कर होंगी बहुत सारी, ठीक है, लव की, प्यार की, मोहब्बत की, सो आई थिंक आपको ये इमेजिन भी कर सकते हैं, लव मैसेजेस हम देखने वाले हैं ग्रुप नंबर टू के बारे में, लेट मी शफल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू, ओके, यू आर माय सोलमेट, क्यों मैं तुमको हमेशा ख्वाब में देखता हूँ, योर मेहंदी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, मे बी आपने उस दिन मेहंदी लगाई हो, या आपको किसी शादी पर इन्होंने देखे और लाइक आपकी मेहंदी इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगी हो, आपने लगाई भी हो, आई एम लुकिंग सो हैंडसम टुडे, आई हैव टू इम्प्रेस हर, ओ उनको लगता है कि वो उस दिन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, तो ये जाके अपने ना आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो और बात है कि रियलिटी आपको पता होगी कि वो लग रहे हैं या नहीं, कॉन्फिडेंट है बच्चा, काम डाउन माय हार्ट, चलो इम्प्रेस आपको करने गए हैं, काम डाउन अपने दिल को कह रहे हैं, बिकॉज यू विल बी लुकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर टू मुझे कोई शादी की वाइब दिख रही है, मतलब शादी का फंक्शन जिसमें आप दोनों एक दूसरे को दिखोगे, बिकॉज लुक्स पे बहुत बहुत ज़्यादा एम्फसिस है, और लाइक आप लगता है आप तैयार हुए भी होगे ना काफ़ी, सो कोई और भी फंक्शन हो सकता है, लाजमी नहीं है, ओके, तुम वही हो ना जिसके साथ मैंने अपना पुराना जन्म बिताया था,
ओके गाइस, कैन वी कह रहे हैं कैन वी गे गो कैन वी गो गो ऑन अ सीक्रेट डेट। जी जब से लफ्ज निकल रहे हैं मेरे मुंह से। यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी। ओके गाइस, आप उनके लिए ब्लेसिंग है। ये चाह कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको बताऊँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शी इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये क्यों बंदा आपके लुक्स पे इतना ज़्यादा मर रहा है? लुक्स की बहुत वाइब है। जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। दिल करता है भाग के आऊँ और इसको अपने ना हाथों में उठा लूँ, यानी कि आपको। ओके, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। तुमको जब तक हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक तुम मेरे को इजाज़त नहीं देती, परमिट नहीं करती। ओके जेंटलमैन जेंटलमैन वाइब। आपके लिए और कौन सा मैसेज है? स्पिरिट प्लीज़ गाइड टू मी। हाउ इस दिन को सारी ज़िंदगी के लिए यादगार मेमोरेबल बना दें, पहली मुलाकात को। वाओ, आई होप, मुझे उम्मीद है कि उसको ये वाले रोज़ेस बहुत पसंद आएंगे, तो मे बी इज बाइंग यू सम रोज़ेस। ओ, बहुत बुरी तरह से डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ हमारे यूनियन का। क्यों मुझे ऐसे सोल कनेक्शन फील होता है इसके साथ? इज लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। फॉरएवर योर्स, हमेशा तुम्हारा हूँ। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। अरे आपने क्या जादू कर दिया इन पर पहली मुलाकात में। मेरी आंखों में देखो, दिखता नहीं तुमको तुमसे कितना प्यार है। आई नो, मुझे पता है तुम भी मुझे याद करती हो। ओके, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, मैं आ रहा हूँ। ओके गाइस, क्यों मुझे तुम्हें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है या हो रही है? कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नज़रें मुझसे मिलाओ हो जाना। दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग फॉर यू। That's it for today. I will see you next time. Bye.